Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Shreshtha. So, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है. लाइक बोर्ड्स अब बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं एंड आई नो एनजाइटी हो रही है थोड़ा थोड़ा, यू नो ऐसा स्ट्रेस भी हो रहा है कि यार क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा. मतलब ये थाट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं एंड एकदम मिक्सड सी फीलिंग हमारे दिलों में घूम रही है. एंड मतलब पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रही है एंड मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही इतनी पढ़ाई कर रही हूँ, ऑल द टेंथ ग्रेडर्स आउट देयर जितने भी होंगे ना वो अभी इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होंगे. उनको लग रहा होगा यार बस कुछ छूट ना जाए, सब पढ़ लूँ मैं, जितना सिलेबस में है सब अपने दिमाग में बैठा दूँ. तो पहले तो मैं बताती हूँ कि मैंने इस दिन पूरी रात, लाइक पूरी रात नहीं, मैं 3 बजे तक जगी थी एंड मैंने अपना साइंस का सिलेबस पूरा कम्प्लीट कर दिया था. तो मेरे साइंस के सिलेबस में एक्चुअली सिर्फ हेरिडिटी रहता था, तो मतलब वो सब आगे मैं आपको व्लॉग में बता दूंगी. और अभी के लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ हिस्ट्री. सो एक्चुअली मेरा SST का भी सिलेबस कंप्लीटेड है हिस्ट्री में. मतलब मेरे को पता है सबका इस टाइम पे ना सबका सिलेबस कंप्लीटेड रहता है. ओके सो यहाँ पे मैं हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, इन दोनों की रिविजन कर रही थी. इससे पहले जो ये इस दिन का सुबह वाला पार्ट था उसमें मैंने प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड रिवाइज करा था. तो मतलब मेरी अभी रिविजन ही चल रही थी हिस्ट्री की. तो यहाँ पे मैं नेशनलिज्म इन यूरोप प्लस नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर को जो पूरा गो थ्रू कर रही थी, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स थी, नोट्स पढ़ रही थी अपने एंड बस अपने कुछ देख रही थी कि कुछ रह ना जाए, बस सब कुछ कवर हो जाए, कुछ ना छूट जाए. मतलब हाँ ऐसी फीलिंग आती है ना कि यार तुम कुछ छोड़ो मत, तो बस यही कर रही थी मैं. तो नोट्स को मेरे ख्याल से रिवीजन बेस्ट कैसे कर सकते हैं हम नोट्स की, तो देखो यार जो तुमने नोट्स बनाए ना तुम उनको एक बार ही रिवाइज़ करो और अपने आप को समझाओ. रिवाइज इन द सेंस कि तुम अपने आप को एक्सप्लेन करो. ठीक है मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं सारे रिविजन ऐसे करती हूँ, अपने आप को एक्सप्लेन करती हूँ और फिर एक रफ़ पेपर पे या रफ कॉपी पे उसको राइट इट डाउन करती हूँ. ठीक है तो येस एंड यहाँ पे फिर मैंने सोचा अब थोड़ी मैथ्स कर लेनी चाहिए मेरे को. तो यहाँ पे मैं मैथ्स में एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी. मैंने जैसे कि बोला था कि मैं सैम्पल पेपर्स एंड में सॉल्व करूँगी, मतलब 10 दिन पहले, बट आई वाज लाइक ठीक है यार थोड़ी मैथ्स की रिवीजन नहीं हुई है इतने टाइम से तो मैथ्स कर लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक सैम्पल पेपर उठाया ऑफ PW की बुक में से एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग द होल सैम्पल पेपर. तो अब आप लोग पूछो कि मैं चेक कैसे करवाती हूँ. देखो यार मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक मैं किसी को चेक नहीं करवाती. मैं इसमें पीछे आंसर्स गिवन होते हैं उनको मैं कर लेती हूँ एंड दैट्स इट. मतलब ऐसी किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती यार, ठीक है मैं कर लेती हूँ खुद. तो बस यहीं पे मैं वही सैम्पल पेपर्स करी थी एंड इन सैम्पल पेपर से मेरे को पता लगा दैट आई हैव रियली इम्प्रूव्ड अलॉट. मतलब मैं जैसी 10th में स्टार्टिंग में मैथ्स में थी और अब मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया मेरी मैथ्स में एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी हो गई है. टच वुड, मतलब नो नज़र प्लीज़. मतलब ठीक है यार बहुत, मतलब मैं खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ कि यार ठीक है इस टाइम तक मेरी मैथ्स एकदम बढ़िया हो गई है. सो हे गाइस, राइट नाउ आई एम डूइंग हेरिडिटी वाला चैप्टर एंड काफ़ी ज़्यादा लंबा है मेरी तरफ से, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसे करने में एंड मैं वही कर रही हूँ एंड थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है, बट ओके आई एम मोटिवेटिंग माई सेल्फ. मैं अपने आप को उठा रही हूँ कि नहीं नींद नहीं आने देनी. बाय द वे लेट मी टेल यू द टाइम इज़ 2:00. मैं दिखा दूँगी एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे. सो यस अभी पढ़ाइयाँ चल रही है काफ़ी ज़्यादा शोरों शोरों से और थक भी गई हूँ मैं, बिकॉज आज मेरा डे भी काफ़ी ज़्यादा टायरिंग था एंड उसके बाद तुम जगे रहो तो बहुत ज़्यादा आफत आ जाती है. बट एनीवेज वील डू इट, जब तक होता है तब तक करेंगे. बाय द वे मेरा 1 घंटे का लेक्चर रहता है सो बस वो करेंगे एंड उसके बाद फटाफट से सोना है. हो सका तो थोड़ा कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे या फिर ऐसा कुछ. सो यस एंड एज आई टोल यू गाइज कि मैं हेरिडिटी वाला चैप्टर कर रही थी, तो पर्सनली मेरे को ये पहले बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था एंड मेरे को, मैं अगर फ्रैंकली बताऊँ तो मैं PBOARD 1 और PBOARD 2 में इसको एकदम ऐसे छोड़ के गई थी एकदम बड़े लोगों की तरह कि यार ये तो आएगा ही नहीं. बट इसमें से 2 केस स्टडी आई थी एंड आई वॉज लाइक यार ये मेरे को कर लेना चाहिए था. बट ओके ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, मैंने कर लिया इसे. और मैं पर्सनली बताऊँ PW से सारे लेक्चर्स इतने ईजी हो जाते हैं. मेरी फिजिक्स इंप्रूव हो गई है, मेरी मैथ्स इंप्रूव हो गई है एंड बायोलॉजी हेरिडिटी वाला चैप्टर जो सबको डिफिकल्ट लगता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी बन गया था. मतलब वो क्रॉस एक्चुअली सबको डिफिकल्ट लगता है, मेरे को भी लगता था, बट मैंने जब देखा यहाँ पे वॉरियर सीरीज में आई वॉज लाइक यार ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ये तो मैं कर लूँगी. मतलब हाँ क्वेश्चंस भी दिए गए थे इस लेक्चर में मेरे को, तो मैंने वो भी सॉल्व करे थे बैठ के.
ओके सो ऑल द 10th ग्रेडर्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू. तो मैं देखो मैं अपनी तरफ से ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ. ऑल्सो फॉर द नाइट आउल्स जो रात को जग के पढ़ते हैं, तो मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ. देखो यार, जब तुम्हारा एग्जाम से एक दिन पहले होगा ना, उस दिन तुम अपना नाइट आउल वाला एटीट्यूड मत दिखाना. मतलब मैं यही प्रेफर करूँगी कि बोर्ड से एक दिन पहले एक अच्छी स्लीप लो, बिकॉज यार देखो ऑलरेडी शक्ल पे इतने डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं एंड हमारी फेस ऑलरेडी इतना ख़राब हो गया है. ठीक है, तो मतलब हाँ ठीक है, फेस एक सेकंड रीज़न है, बट फर्स्ट ऑफ द रीज़न ये है कि यार देखो पहले हमारी नींद पूरी होनी चाहिए, वरना एग्ज़ाम में जाके हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी. एग्ज़ाम में नींद आएगी एंड वो हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए, राइट. तो पहले से अपनी नींद पूरी करके चलो और कोशिश करो कि तुम एग्ज़ाम से एक दिन पहले बिल्कुल भी ना रात को जगो. 11 बजे तक तुम अपना सारा वाइंड अप करके सो जाओ, इतना अपने ऊपर रखना. एंड बाकी आप लोगों को अपडेट्स मैं देती रहूँगी कि क्या कैसे हो रहा है. एंड काफ़ी ज़्यादा धक धक नहीं हो रही यार बोर्ड्स के लिए, ऐसे धक 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 मेरे को लाइक पर्सनली बहुत ज़्यादा हो रही है. ठीक है, तो नाइट आउल्स ये चीज़ हमेशा याद रखना कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले अपनी नाइट आउल वाली आदत मत दिखाना, जल्दी सो जाना, सो दैट एग्ज़ाम में तुम एकदम नींद ना आए तुम्हें एग्ज़ाम में. सो गाइज, यहाँ पे मेरा हेरिडिटी का स्टडी सेशन पूरा कंप्लीट हो गया था एंड एज़ यू गाइज कैन सी इट्स 2:30. सो गाइज इट्स 2:55 एंड राइट नाउ आई हैव कंप्लीटेड अप विद द चैप्टर हेरिडिटी. एंड अब मैं लाइक सोने वाली हूँ बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ. इट्स ऑलरेडी 3 AM एंड नाउ आई गेस आई शुड वाइंड अप एंड आई शुड स्लीप बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ. ऑल्सो बैठे बैठे मैं एक्चुअली बैठे बैठे थक जाती हूँ. स्टडी टेबल पे बैठना इज़ मोर कम्फर्टेबल फॉर मी, बट ठीक है, सर्दियों में कभी कभार बेड पे भी पढ़ लेना चाहिए, लाइक कोई नहीं. बट येस, आई मोटिवेटेड माई सेल्फ कि यार मेरे को अपने बेड पे ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं होना, तो बस अपने कम्फर्ट जोन से बाहर रह के पढ़ाई करिए. इसलिए इसी वजह से मेरा हेरिडिटी वाला चैप्टर कम्प्लीट हो गया एंड आई फाउंड इट वेरी ईजी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्री बोर्ड 1 में भी मैं मतलब एकदम ही कच्चा पक्का करके गई थी, प्री बोर्ड 2 में भी, बट नाउ फॉर द बोर्ड्स आई हैव डन इट एंड विद प्रैक्टिस. सो यस, यही एक बढ़िया चीज़ है कि एक बार ही तुम अगर सोच लेते हो तो उसे करके हटा करो. सो दिस इज़ द टिप फॉर ऑल द 10th ग्रेडर्स आउट देयर, नॉट ओनली 10th ग्रेडर्स बट ऑल्सो 9th, 8th, 7th, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, सबके लिए यही मेरी एडवाइस रहेगी कि वेन यू सेट गोल्स यू हैव टू कम्प्लीट इट, मेक श्योर ऑफ दैट. सो यस गाइज, नाउ इट्स द नेक्स्ट डे एंड मैं यहाँ पे अपनी व्लॉग एंड करने वाली हूँ. सो जैसे कि आपने देखा मेरे रात का पूरा सिनेरियो जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े. मैंने कल हिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी को कंप्लीट करा, ऑल्सो थोड़ी फिजिक्स की रिविजन करी थी मैंने. सो ये मैंने अपनी कल रात को करा था. सो आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग टुडेज व्लॉग. इफ़ यू रियली डिड सो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अलॉट टू मेक दीज टाइप्स ऑफ न्यू वीडियोज. हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.